गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 9 बना रहे हैं चैप्टर 5 का, जो कि हमारा है सरफेस केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th आरपीएससी। ओके, देखो हमने जो चैप्टर 5 था उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो हमने पढ़ लिया था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटेलाइसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जो अधिशोषण क्या होता है, ठीक है। वो दो टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइड, ठीक है। तो कोलाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, कोलाइड कण वे होते हैं जो 1000 नैनोमीटर तक के होते हैं, ठीक है, जो हमें आंखों से नहीं दिखते, हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकते जो, ठीक है। क्या करते हैं, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कैटाफोरेसिस प्रदर्शित करते हैं। मैंने इनके गुणों के बारे में आपको बताया है कि कैटायन कैथोड की ओर जाता है, एनायन एनोड की ओर जाता है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो। इन कणों के ऊपर क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। और फिर मैंने इसका बताया था कि ये क्या बना लेते हैं, एक डबल लेयर बना लेते हैं, एक द्विपरत बना लेते हैं, ठीक है। वैद्युत कण का संचालन करते हैं, ये टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। इनके गुण तो पढ़े थे, इसके अलावा हमने और क्या चीज देखी थी, इसके अलावा हमने देखा था इसके वर्गीकरण को पढ़ा था। वर्गीकरण हमने बहुत तरीके से पढ़ा था, एक तो फेस मतलब परिक्षेपित प्रावस्था और माध्यम दोनों के आधार पर पढ़ा था, परिक्षेपित प्रावस्था और उसके माध्यम के आधार पर। फिर हमने जो इसका वर्गीकरण पढ़ा था वो किस आधार पर पढ़ा था, परिक्षेपित प्रावस्था के आधार पर पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी पढ़े थे। तो जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था, तो अब हमारा जो कोलाइड में जो टॉपिक लास्ट वाला बचा है उसे हम कहते हैं स्कंदन। स्कंदन का मतलब क्या है, स्कंदन का मतलब है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करना। यदि हम उसका क्या बना ले, प्रेसिपिटेट बना ले, उसको अवक्षेपित कर ले, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है, ठीक है। तो अब जो स्कंदन है वो किस प्रकार से हो सकता है, स्कंदन या तो हम देखो, स्कंदन का मतलब क्या है कि कोलाइड विलयन के ऊपर कैसे क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। एक ही प्रकार का आवेश, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। यदि प्लस है तो हम क्या कर दें, हम इसमें कोई ऐसा आयन मिला दें माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और कण नीचे बैठ जाएंगे। यदि माइनस है तो इसमें प्लस मिला दें, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो इसमें हम उबाल सकते हैं, उबाल कर, दूसरा वैद्युत अपघट्य मिलाकर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघट्य मिलाकर। जब हम वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो वैद्युत अपघट्य में धन आयन भी होते हैं, ऋण आयन भी होते हैं, प्लस है तो उसको माइनस मिल जाएंगे, माइनस है तो उसको प्लस मिल जाएंगे। तो वैद्युत अपघट्य को मिलाकर या आधिक्य अपवहन द्वारा, या आधिक्य अपवहन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब स्कंदन के लिए एक रूल दिया गया है, एक नियम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं हार्डी शुल्ज नियम, ठीक है। हार्डी शुल्ज नियम क्या कहता है कि यदि हमें ऋणावेशित कणों को अवक्षेपित करना है, हमारे पास एक ऐसा विलयन है जो कि ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों से मिलकर बना है, तो आप देखो हार्डी शुल्ज, तो हम क्या करेंगे, धनावेशित आयन डालेंगे, और धनावेशित है तो ऋणावेशित आयन डालेंगे। तो यहां पर वो ये बता रहा है कि किसी भी, आप ऐसे समझो, स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता, ये संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं हम कि आपके पास, यानी कोई भी आपके पास आयन है, मान लीजिए आपके पास एक विलयन है, विलयन कौन सा होगा, कोलाइड विलयन। लेकिन कोलाइड विलयन कैसा है,
ऋणावेशित है मान लीजिए, तो ऋणावेशित को अभी आपको बताना है कोलाइडोमिनियम ऋणावेशित है, तो इसको अवक्षेपित करने के लिए आप क्या डालेंगे, वैद्युत अपघट्य डालेंगे। अब वैद्युत अपघट्य डालेंगे तो उसमें धनायन भी होंगे ऋणायन भी होंगे, तो कोलाइडोमिनियम यदि ऋणावेशित है तो उसको आप किससे स्कंदित करेंगे, धनावेशित से। ठीक है, धनावेशित से। तो मान लीजिए आपके पास एक कोलाइडोमिनियम है कोई सा भी ऋणावेशित, तो अब आप उसमें क्या डालेंगे, धनावेशित आयन डालेंगे। तो धनावेशित आयन आपने क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, एल्युमिनियम डाल दिया। तीनों वैद्युत अपघट्य मान लीजिए आपके पास है, जिसमें एक में धनायन ये है, एक में धनायन ये है, एक में धनायन ये है, तो आप कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, किसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, उसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी जिसकी संयोजकता ज्यादा है। संयोजकता किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जल्दी से जल्दी और ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, स्कंदन करेगा। समझ में आ रहा है, यदि धनावेशित है आपके पास कोलाइडोमिनियम तो आप क्या डालेंगे, ऋणावेशित विद्युत अपघट्य डालेंगे। तो जब आप ऋणावेशित डालेंगे तो अब आप देखो, जैसे मान लो आपके पास क्लोराइड है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, तो आप कौन सा डालेंगे, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश माइनस आवेश ज्यादा है। समझ में आ गया, तो स्कंदित करने वाले आयन की जो संयोजकता है वो जितनी ज्यादा होगी स्कंदन की क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी, ये हार्डी शोज ने कहा था। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलाइडी कोलाइडी विलयन का रक्षण, रक्षण यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइडी विलयनों का, कोलाइडी का रक्षण हम कैसे कर सकते हैं कोलाइडी विलयनों का। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको देखना होगा, आपको वो वर्गीकरण देखना होगा, मैंने आपको एक वर्गीकरण बताया था, एक थे द्रव स्नेही कोलाइडी और एक थे द्रव विरोधी कोलाइडी, दोनों कोलाइडियों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, द्रव विरोधी क्या होते हैं, जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था और माध्यम के मध्य जो आकर्षण है या जो अंतरक्रिया है वो कैसी होती है, कमजोर प्रकार की होती है, कमजोर प्रकार की होती है, कमजोर बल होता है, जबकि द्रव स्नेही में विलायक और विलयन के मध्य कैसा होता है, प्रबल बल, प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, द्रव स्नेही क्या होते हैं, जो द्रव को स्नेह करें और ये द्रव का विरोध करें, यानी एक आपके पास फेज थी, एक प्रावस्था थी, एक माध्यम था, एक प्रावस्था थी, एक माध्यम था। ठीक है, यदि दोनों के मध्य प्रबल आकर्षण है तब तो वो द्रव स्नेही होता है, यदि दोनों के मध्य कमजोर प्रकार का आकर्षण है तो वो द्रव विरोधी होता है। ठीक है, द्रव विरोधी कैसे होते हैं, कमजोर प्रकार के होते हैं, तो ये कमजोर प्रकार के होते तो ये बंद आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये विलयन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, जबकि ये विलयन स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके मध्य प्रबल बंध है तो आसानी से नहीं टूटेगा। अब मान लीजिए आपने एक विलयन लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो द्रव विरोधी है इसमें, इस द्रव विरोधी में आप जैसे ही, मान लीजिए कि आपके पास एक द्रव विरोधी विलयन है, अब इसमें आपने जैसे ही क्या डाला, वैद्युत अपघट्य डाला, ये द्रव विरोधी विलयन क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके मध्य बंध तो दुर्बल प्रकार का है, तो द्रव विरोधी को स्कंदन से रोकने के लिए, अवक्षेपण से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें द्रव स्नेही विलयन मिला देते हैं। तो ये आपके पास यदि द्रव विरोधी है तो जैसे ही हम इसमें द्रव स्नेही बनाएंगे, यहां पर देखिए द्रव स्नेही जो है, ये द्रव स्नेही इसकी सतह पर, द्रव स्नेही की समय सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब आप इस पर वैद्युत अपघट्य डालिए, तो अब आप जब वैद्युत अपघट्य डालेंगे तो आप देखेंगे अवक्षेपण, अब अवक्षेपण होगा क्या, अब अवक्षेपण नहीं होगा, यानी अब ये जो द्रव विरोधी विलयन है ये कैसा हो गया, स्थायी हो गया, किसके कारण, इस द्रव स्नेही अधिशोषण के द्रव स्नेही अधिशोषित से बनी परत के कारण। तो द्रव स्नेही परत जो है वो द्रव विरोधी को क्या कर देती है, रक्षण प्रदान करती है। समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो अब ये जो रक्षण प्रदान कर रही है कौन कर रही है, द्रव स्नेही कर रही है। तो द्रव स्नेही को ठीक है, तो इसे हम किसमें तो किसी भी कोलाइडी विलयन में कितना रक्षण मिला ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसको रक्षण को नापने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, एक संख्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं गोल्ड नंबर या गोल्ड संख्या। ये गोल्ड संख्या क्या है इसको पहले समझिए कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने कैसा विलयन लिया, द्रव विरोधी लिया, ठीक है। नहीं, अब आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने ले लिया गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का सॉल्ट ले लिया, समझ में आ गया, गोल्ड का सॉल्ट ले लिया। अब आपने क्या किया, इसमें आपने एक वैद्युत अपघट्य डाला 1 ml 10% NaCl, ये क्या है एक वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। इस गोल्ड सॉल्ट में आप जैसे ही वैद्युत अपघट्य डालेंगे इस गोल्ड सॉल्ट का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन का मतलब वही अवक्षेपण हो जाएगा, स्कंदन अवक्षेपण एक ही बात है, स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्कंदन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, इस गोल्ड सेल में क्या डालेंगे, एक द्रव स्नेही पदार्थ डालेंगे। जो मैंने यहां समझाया मैं इसी चीज को बताया, तो द्रव स्नेही डालेंगे, तो द्रव स्नेही की तो ये जो द्रव स्नेही डालेंगे तो इस द्रव स्नेही के डालने से क्या होगा, स्कंदन रुक जाएगा, समझ में आ रहा है। तो गोल्ड नंबर क्या है, द्रव स्नेही पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जो गोल्ड सॉल्ट को के 1 ml गोल्ड सॉल्ट के जो 10% गोल्ड सॉल्ट के 1 ml को स्कंदित होने से रोकने के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। गोल्ड संख्या क्या कहलाती है कि किसी भी द्रव स्नेही पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जो जो 10 ml जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% NaCl को डालने पर स्कंदित होने से रोकने के लिए आवश्यक होती है। वापस से देखिए कि ये गोल्ड सॉल है, ये 10 ml है, इसमें आपने 1 ml NaCl डाला, जैसे ही डाला स्कंदित हो गया, तो इस स्कंदन को रोकने के लिए, तो गोल्ड सॉल के 10 ml को के स्कंदन को रोकने के लिए आपने क्या डाला, कि स्कंदन कब हुआ, जब आपने उसमें 1 ml डाला 10% NaCl का, तो स्कंदित तो हो रहा है, अभी इन दोनों को डाले तो स्कंदित तो हो रहा है। तो आप द्रव स्नेही की कितनी मात्रा डालेंगे या किसी भी पदार्थ की वो न्यूनतम मात्रा जो स्कंदन को रोक दे, जो रोकने के लिए आवश्यक है, उसे हम कहते हैं गोल्ड नंबर, समझ में आ रहा है। तो गोल्ड संख्या क्या कहलाती है कि, या फिर आप इस द्रव स्नेही पदार्थ की जगह आप ये भी कह सकते हैं, द्रव स्नेही पदार्थ की जगह कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के स्कंदन को 10% NaCl को डालने पर स्कंदित होने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी यहाँ पर रक्षी कोलाइड की मात्रा, हम जो रक्षी कोलाइड क्या होते हैं, द्रव स्नेही होते हैं, ठीक है। ये हो गई, अब इनका अनुप्रयोग वैसे आपको दिया हुआ है, देखो ये कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं।
पानी पीने योग्य पानी के लिए काम में आते हैं, पीने योग्य पानी बनाना है यदि हमें, तो हम गंदे पानी में क्या डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, आपने देखा होगा। तो फिटकरी में जो एल्युमिनियम होता है वो क्या करता है, जो गंदगी होती है पानी में उसको उदासीन कर देता है। तो पीने योग्य पानी है तुम, फिर वाहित मल के निष्कासन में, सीवेज डिस्पोजल में भी काम में आता है, ठीक है। फिर तीसरा आप कह सकते हो, और क्या काम में आता है, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो भी स्कैटरिंग के कारण, कोलाइडल किरण के जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण दिखाई देता है, ठीक है। फिर रक्त का स्कंदन, आकाश का नीला रंग जो है, ठीक है। फिर जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रक्त का स्कंदन कि जब चोट लगती है रक्त बहने लगता है, और रक्त क्या है, रक्त के ऊपर, रक्त एक एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है, और इसके ऊपर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, जैसे ही फिटकरी को घिसके लगा देते हैं तो क्या होता है, स्कंदन हो जाता है, रक्त का स्कंदन हो जाता है और बहना रुक जाता है, ठीक है। तो या फिर डेल्टा के निर्माण में, डेल्टा देखो, डेल्टा कहाँ बनता है, डेल्टा जो बनता है जहाँ नदियां समुद्र से मिलती हैं, नदियों में क्या होती है, नदियों में पाई जाती है, आपके मानिए जो नदियां होती है उनमें पाई जाती है मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर ऋणावेश होता है, और समुद्र जहां पर आता है, समुद्र जहां पर नदी पे मिलता है ना, जहां पर नदी पे समुद्र मिलता है वहां पर क्या होता है, नदी में तो जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर ऋणावेश है, और समुद्र में क्या है, समुद्र में वैद्युत अवघट्य है, और वैद्युत अवघट्य के ऊपर कैसा आवेश है, प्लस, तो प्लस माइनस को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। तो वो संगम स्थल पर क्या होता है, अवक्षेप एक साइड में बनता चला जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप कह सकते हैं फोटोग्राफी में काम में आता है, चर्म उद्योग में काम में आता है, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है, कोलाइडी वर्षा कराने के काम में आता है, तो ये सारी इसके अनुप्रयोग है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे, यदि कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे।